कैसे हैं आप लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है, कुछ इतना ज़्यादा मैं तैयार नहीं हुई हूँ, बहुत अजीब लग रही होगी। 7:30 का टाइम हुआ है एंड फेस मेरा बहुत भर भर के स्वेलिंग हो गया है। कल भी मुझे किसी ने बोला था वीडियो देखेगी, मोना आपका फेस पूरा सूज गया है सुबह सुबह। तो यस, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, पता नहीं क्यों सूजन बहुत हो जाती है। एंड पाँव का नहीं होता है, कम हो गया, लेकिन फेस में सूजन बहुत आ जाती है। अभी टाइम हो रहा है 7:30, थोड़ी देर पहले मैं उठी हूँ, मतलब 15-20 मिनट पहले थोड़ा सी बस फ्रेश हुई हूँ। एंड मैंने बस उठ के ही सबसे पहले मैंने लिया है अपना थायराइड मेडिसिन। मैं उठते ही यहीं पे होता है, उठते ही मैं जब मेरी आदत है मैं उठते ही बेड पे ही पानी पीती हूँ, तो उसके साथ ही साथ मैं एक ले लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद ना यहाँ पे 15-20 मिनट के बाद या फिर नॉर्मली आधे घंटे के बाद आपको खानी होती है। तो ये वाला मैं लेती हूँ, मैं 100 mg का मेरे को आता है थायराइड मेडिसिन, वही कंटिन्यू हो रहा है अभी तक, हो गया 5th मंथ तक। तो अभी मेरा इसी वीक या फिर कभी अभी अगले वीक के करीब ना मेरा है कि थायराइड चेक दोबारा करवाना होता है। हर एक महीने में वो लोग पूरी प्रेगनेंसी में आपकी थायराइड की चेक करवाते हैं। तो आज व्हाट आई ईट इन अ डे इन माई 5th ट्राइमेस्टर, सेमिस्टर कहाँ पे जा रहा है देखो, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। अभी बस मायका यहाँ पे मैंने बुक्स भी निकाल कर रखा हुआ है, क्योंकि उससे क्लास स्टार्ट होगा। दूध मैंने चढ़ा दिया है, नहाने जाऊंगी, उससे पहले मैं यहाँ पे लूंगी, मैंने मेडिसिन ले लिया ना थायराइड मेडिसिन, तो यहाँ पे कुछ है बादाम, तो इसी रात को भिगो के मैंने रखे हुए थे सुबह के लिए, फिर मैं शाम को थोड़ा सा दूध में लेती हूँ। एंड यहाँ पे खजूर है, खजूर एक या दो खजूर थोड़ा मुश्किल होता है मुझे खाने के लिए, लेकिन मैं दो खजूर जरूर लेती हूँ। मेरी नानी ने बोला है खजूर खाने से सुबह खाली पेट बहुत अच्छा है। मैं माही के टाइम पर भी दो खजूर जरूर खाती थी, सबसे पहले खजूर एंड बादाम, वो भी मैं खाती हूँ। एंड अब भी इस बार मीठा होता है ना ये, थोड़ा खाया नहीं जाता इस बार ही के, तो कभी कभी मिस भी हो जाता है अगर मैं नहीं खा पाती, तो सिर्फ और सिर्फ बादाम खाती हूँ। मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट में आज ग्रीन मूंग दाल का बनाऊंगी, आप इसको पेस्टर्ड बोल लो, चीला बोल लो, कुछ भी। तो इसको मैंने रात को ही भिगो दिया था। एंड यहाँ पे मैं इतना डाल रही हूँ इसमें, लहसुन डाल रही हूँ, इतना बड़ा अदरक हमको जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इसको छोटा सा एक, यार कैमरा में स्टैंड सुबह सुबह ना यही प्रॉब्लम होता है। ओके, ये इतना सा एक छोटा सा टुकड़ा, यहाँ पे फोकस भी नहीं हो रहा कैमरा, इतना सा मेरे को इसमें डालना है अदरक। हरी मिर्च घर पे नहीं है तो फिलहाल मैं इसमें दो डाल रही हूँ सूखी लाल मिर्च, क्योंकि माही फिर ये तीखा हो जाएगा ना, क्योंकि स्पाइस होगा, अदरक लहसुन वाला भी स्पाइस होगा तो वो नहीं खाएगी। तो इसी के हिसाब से मैं बना रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा हमको पानी देना है इसमें, बस छोटा सा ग्लास, एंड इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये ना अभी आराम से 2 दिन के लिए हो जाएगा, ये फ्रिज में रहेगा तो कुछ नहीं होगा, अभी जितना होगा होगा, फिर कल के लिए भी फ्रिज में रखने के लिए ये हो जाएगा आराम से। मतलब इतना गाढ़ा नहीं करना है, थोड़ा सा पानी ऐड करना है जब हम लोग इसको बनाएंगे, तो थोड़ा सा अभी के लिए निकाल लेते हैं, बाकी फ्रिज में रख देंगे। थोड़ी देर ना ग्राइंड करने के बाद 10 मिनट ऐसे 15 मिनट थोड़ा सा बाहर ऐसा रख देना, फिर इसको यूज करना। छोटी ब्लॉगर, हाय हाय। तो अभी टाइम हो रहा है 2, मुझे बहुत भयंकर वाली भूख लग रही है। मैंने माइगो को लंच कराया, फिर मैं खा रही हूँ, उसको भी बहुत भूख लग रही थी। जस्ट अभी 1:30 ऐसे के करीब उसकी क्लास खत्म हुए है क्लासेस, एंड लंच मैंने बना लिया है। लंच का मैंने कुछ भी शेयर इसी के लिए नहीं करा कि एक तो टाइम नहीं हो रहा था लंच का शेयर करने के लिए मुझे, एंड दूसरी चीज़ ये है कि मैं क्लास के बीच बीच में आगे कर रही थी ना, तो आज उसके क्लास में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ चल रहा था तो मैं कैमरा नहीं ले रही थी, फिर वो भी डाइवर्ट हो जाती, बहुत मुश्किल हो जाता। तो लंच में ना मैं आज तो सोमवार है, वेज ही होगा, तो आज मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चावल, आलू एंड थोड़ा सा पत्ता गोभी, पत्ता गोभी बहुत कम ले रही हूँ। बहुत लोगों ने मुझे पूछा था आप कॉलीफ्लावर खाते हो, पत्ता गोभी खाते हो, तो थायराइड के लिए कुछ नहीं होता क्या, या तो फिर
क्या था वो, एक क्योंकि गैस वैस की प्रॉब्लम नहीं होती कि नहीं यार मैं बहुत कम खाती हूँ ना, ऐसे कुछ नहीं होता मुझे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने दिया सलाद एंड दाल। दाल मैंने दो तरीके का मिक्स करके यहाँ पे बनाया हुआ है, गाढ़ी दाल है, क्योंकि एक बाउल दाल आपको एक टाइम में पीनी जरूरी चाहिए, डिनर में एक बाउल एंड लंच में एक बाउल जरूर पीना, क्योंकि इसमें बहुत प्रोटीन होती है। एंड मैं क्योंकि नॉनवेज नहीं खा पाती हूँ, ना अंडा ना चिकन ना फिश, कुछ भी नहीं मैं खा पाती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि खाना स्टार्ट करूँ, क्योंकि टाइम है बस 3 बजे, लंच कब का हो गया। मैं बस अभी ये बिल्कुल भी मेरे को रेस्ट करने नहीं दे रही है, खेलो खेलो खेलो, तो अभी थोड़ी देर उसके साथ खेली हूँ मैं, उसको भी बस इसको होमवर्क करवाऊंगी एंड 2 पेजेस इसको लिखने होते हैं। ऐसा नहीं कि डेली डेली बहुत ज़्यादा होमवर्क होता, अभी इसके ऐसे स्टार्ट भी हो गए लिखना सेंटेंस वगैरह ना। आई थिंक फोकस हो रहा होगा ये कैमरा, बहुत धूप है यार, ये मैंने खिड़की खोल दी है ना विंडो, तो ये क्या लिखा हुआ, ये शी हैज़ अ बैग, ऐसा पूरी सेंटेंस की तरह इनके लिखनी होती है, शी हैज़ अ बैग, ही इज माई डैड, शी इज माई मॉम, आई एम अ गर्ल, ये सारा कुछ उनको लिखना। अभी माए को आ गया है होमवर्क है उसको करवाने के लिए, तो इसको करवा के थोड़ी देर के लिए आराम करती हूँ, फिर मैं आपके साथ मिलती हूँ 5:30 के करीब ऐसे में जाके, क्योंकि उतना टाइम तो लग जाएगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा, किचन में जाओ काम करो ये वो यो सारा काम में। तो ही है मैंने क्या बोला था, देखो ये टाइम 15 मिनट फास्ट है मैंने रखा हुआ है, तो ऑलमोस्ट 5:15 के करीब माही का फिनिश हुआ होमवर्क। मैंने बोलते थोड़ा टाइम ले लूंगी मैं उसको मैथ्स एंड ये 2 पेज के होमवर्क करने में, उसको करीब 1 घंटे के बाद लग। यहाँ पे ना मैं शाम के लिए बना रही थी, दूध गर्म कर रही थी, चाय बना रही थी, बेचारे ये भी बहुत बिजी है, ये पूरा वीक 5 मिनट इनको भी टाइम नहीं हो पाता, मैं भी आज रेस्ट ही नहीं हुआ। यहाँ पे ना माही आके बोल रही थी मम्मा फिर से चॉकलेट दो, मुझे भी कभी कभी क्रेविंग्स होती है तो मैं भी इनसे मंगवा के रखती हूँ उसको, तो चॉकलेट्स वगैरह, तो लेकिन बच्चों को कौन समझाए कि नहीं फ्रिज में हो तो बस दे दो, उनका तो अलग ही है, बस वही बोल रही थी। इसको ये जो ये है ना छोटे छोटे छोले है जैसे, इसको आप लोग सब्जी की तरह बना सकते हो, या तो फिर आप शाम के टाइम पे थोड़ा सा स्नैक्स की तरह ले सकते हो, इसमें बहुत प्रोटीन होती है, समोसे तल के खाना, पकोड़े तल के खाने से बहुत अच्छा है, जितने लोगों ने भी गैस एसिडिटी कंप्लेन करते हो प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ खाओ बहुत अच्छा लगेगा। एंड इस टाइम थोड़ा सा झुकना वुकना थोड़ा सा डर लगता है ना, मेरे ना पुराना जो लाइटर था सॉरी मैं कैमरा मेरा चार्ज पे लगा था, ये वाला फोन में कर रही हूँ, पता नहीं इसकी क्वालिटी कैसी आएगी। तो यहाँ पे ये जो चार्जर सॉरी चार्जर ये जो मेरा लाइटर थी पहले की लाइटर, ये अभी काम कर रही है इतना ज़्यादा, ये नया वाला लाइटर लाने के बाद मैंने ये पूरा मैच बॉक्स यूज़ कर डाला यार, कितना अभी एक गैस करके यूज़ ही करना पड़ता, तो पूरा ही ख़त्म हो गया, तो फिर नॉर्मली मेरे को मैच बॉक्स से डर भी लगता है यार गैस लगाने में। तो अभी फिलहाल ये फाइनली कल लेकर आए, ये जब से लेकर आए हैं ये वाला बड़े अच्छे से थोड़ा बहुत मैं शाम के टाइम बहुत रेयर चाय पीती हूँ, अगर कभी सर दुखता है तो, नहीं तो फिर ज़्यादातर मैं अपनी जो प्रोटीन पाउडर होता है वही मिक्स करके मैं लेती हूँ इस टाइम पे। एंड बादाम माही के लिए, मेरे लिए, दोनों के लिए है ये, एंड वो चने थोड़ी देर बाद खाएंगे। माही के पास दुनिया भर के टॉयस है, उसको खेलना वही अमेजोन के डिब्बे से होता है। मैं ये क्या पहनी हूँ दिखाओ, पीछे व्हाट, कम ऑन ए कम ऑन शो मी योर ड्रेस, ये कौन सा ड्रेस है बेबी, मेरा ड्रेस 2 3 गो ए क्या ए भाई ये लोग 1 मिनट खेलते हैं फिर 5 मिनट झगड़ा करते हैं यार, हाँ व्हाट हैपेंड, मैं वॉक करती हूँ बहुत ज्यादा, नहीं अभी तो पार्क में नहीं जा सकते, केयरफुल लास्ट टाइम हम लोग, मैं वहाँ पे एक पार्क है वहाँ पे जाती थी वॉक करके आती थी, वहाँ पे बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज आते थे, बहुत ज्यादा वो लोग वॉक करते थे, टाइम तो कुछ भी नहीं है। व्हाट आर यू डूइंग, मैं तो बस पढ़ रहा, यू गाइस आर प्लेइंग 1 मिनट एंड यू आर फाइटिंग 5 मिनट्स।
तो शाम के टाइम 6:30 ऐसे बजे ना थोड़ा सा स्नैक्स कुछ लेना अगर आपको, आप अभी मेरा टाइम ये है, आप लोग अगर 5 बजे लेते हो 4 बजे दूध पी के, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये अगर बहुत हैवी होता है, पेट बहुत जल्दी भर देता है बहुत अच्छी तरीके से, तो डिनर में थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इट्स ओके, ये भी बहुत हेल्दी है। टमाटर, प्याज, आप चाहो तो बॉयल्ड पोटैटो, आलू एंड यहाँ पे कुकुम्बर ऐड कर सकते हो, धनिया पत्ता मेरे पास नहीं था, हरी मिर्च एंड थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट, नमक, लाल मिर्च, बस बहुत टेस्टी लगेगा। बस यही टाइम है, बस बैठ के बात कर रहे हैं हम लोग। हाय हाय माहिका, अभी से मेरे ऊपर गुस्सा होकर रो रही है। माहिका को मम्मा नहीं चाहिए, माहिका की मम्मा किसको चाहिए बोलो, मैं आ जाऊंगी, आप प्लीज मुझे ले जाओ। माहिका की मम्मा किसको चाहिए बोलो, किसको चाहिए मामा, मैं चली जाऊंगी। कुछ बोलना चाहेंगे सर? नो कमेंट्स। व्हाई नो कमेंट्स? बस यही होता है और कुछ नहीं होता है। थोड़े दिनों बाद ये ऑफिस चले जाएंगे, तो फिर हमारा ख्याल कौन रखेंगे? बस एक ग्लास, एक कप यहाँ पे दूध, आप चाहो तो रहा बहुत गर्म है, मैं 1 मिनट रख दूँ। कपड़े आज के मैंने फोल्ड ही नहीं करे, मेरे में ताकत ही नहीं, मैं दोपहर में थोड़ा सा भी रेस्ट मैंने नहीं किया ना, कल बहुत काम है, बर्तन लगाने हैं अभी से, मतलब पेंडिंग है कल के लिए काम। चावल मेरे को बोरी से निकाल के डब्बे में डालना है, आज ही मैं निकाला, यहाँ पे कपड़े वो सारा, चलो बात की बात है, कल की बात करेंगे। लेकिन आज मेरा लास्ट जो मील होता है शाम, मतलब डिनर तो कर लिया था, दूध, दूध के साथ आप चाहो तो केसर ले सकते हो। आज ही मुझे इंस्टाग्राम पे किसी ने पूछ रहा था कि आप कितनी बार दूध पी सकते हो, देखो यार आपको जितनी बार मन कर आप दूध पी लो, आप चाहो तो लंच में भी एक ग्लास दूध लेके पी लो, लेकिन कोशिश करना 2 से 3 बार सुबह, 1 बार मॉर्निंग में, एंड कम से कम सुबह एंड रात को सोने से पहले तो दूध पीना, एंड पी सकते हो तो शाम को 1 बार, 2-3 बार तो ज़रूर पीना। मैं कोई केसर वैसर नहीं डाल के पीती, मैं माई गड़ाइन पर भी नहीं पी रही थी, मैं बस इसमें प्रोटीन पाउडर जो होता है वही मैं इसमें ऐड करके पीती हूँ मिक्स करके, और कुछ नहीं है। एंड बस इतना ही आज का। अभी हम लोग अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो फिर चलो। एंड यस, कहाँ पे हो आप लोग में से बहुत सारे लोग, कहाँ पे हो, मेरा नोटिफिकेशन जा रहा है नहीं जा रहा है मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आज का ब्लॉग देखे मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई थी, क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन मेरे को खुद पता चल जाता है ना कि बहुत कम नोटिफिकेशन गया था, एंड क्यों ऐसा हो रहा है मुझे नहीं पता, बट क्या ही कर सकते हो, अभी मैं अपनी तरफ से तो कुछ कर नहीं सकती, लेट्स सी आगे को क्या होता है क्या नहीं होता है। माइका एंड यहाँ पे माइका के पापा पूरा दिन बिजी होते, लेकिन ये कैमरे पे नहीं है, बट अच्छे पापा है सच में, थोड़ा सा टाइम तो माई को दे देते हैं माई सोने से पहले, भले ही मैं कितना जाके पूछू कुछ करूँ। बाय, गुड नाइट। तुम क्यों नहीं बाय बोलोगी? तुम नहीं कर रही हो इसी के लिए? उसका अपना अलग ही चलता रहता है। तो फिर चलो, फिर मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, बिना लाइक करे मत जाना वीडियो देख के, एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए, एंड यस लाइक लाइक लाइक। माहिका तू भी लाइक कर दे बच्चा, माहिका लाइक करो, बोलेगी तभी तो करेंगे सब ये क्या। अच्छा तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।